आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल न्यूज 20 में। इन मूर्तिकारों से कि इस कोरोना के महामारी में कैसा है मूर्ति का डिमांड और कैसे है दाम? अब कोरोना का वजह से मूर्ति देखो उसका माल बढ़ा है, बच गया हमारा, क्या होगा, पानी भी आ रहा ऊपर से, बिकेगा ना आना बने तो अभी देखो क्या होता है। और मार्केट में कैसे मूर्ति का डिमांड है, मतलब साइज? अब मार्केट में ऐसे अगर गिरा आ रहा है सस्ते माल रहे हैं, जो मेहनत की है सस्ते डाले उसका मेहनत है, सस्ते माल को गिरा भी नहीं चाल क्या कर रहे हैं, सस्ता में बेचना ही पड़ेगा। तो आप सभी ने देखा, हमने बात की मूर्तिकारों से और इनके हिसाब से कोरोना महामारी के चलते इनके धंधा में बहुत ही घाटा हुआ है। तो पंडित जी, कल जो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? बसंत पंचमी जो सरस्वती पूजा का जो मुहूर्त है 7:08 से लेकर के 10:20 तक बढ़िया मुहूर्त है, इसमें करने से अच्छा रहेगा। पंडित जी, जो लोग अपने घर में पूजा करेंगे माँ शारदा की, जो लोग अपने घर में पूजा अर्चना करेंगे, उनका पूजन का विधि क्या होगा? घर में पहले आसन बिछा कर बैठ जाएं, एक प्लेट में रोड़ी सिंदूर चावल फूल सुपारी पान के पत्ता लौंग इलायची पूजा के सामान रखे, एक दीपक बनाए, दीपक बना करके घी का और जला दें और धूपबत्ती जलाए, पहले हाथ में अच्छा फूल सुपारी पान पत्ता तो लेकर के संकल्प करें और सरस्वती जी से संकल्प करें कि हमें ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मैं आपको पूजा ज्ञान बुद्धि के लिए कर रहा हूँ, और सरस्वती के पास में रख दें और सरस्वती जी का जो है भगवान सरस्वती जी के मूर्ति में स्नान करा करके कपड़ा वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं, अच्छा चढ़ाएं, फूलमाला पहनाएं और धूप दीप दिखाएं, प्रसाद लगाएं, फल मिठाई वे लगा करके सरस्वती जी का फल व पान दिखाने के लिए दें और अंतिम आरती करें, कपूर के बत्ती जला लें और उसके बाद देवी जी का आरती करें, आरती करने के बाद प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें, आशीर्वाद मांगें, ऐसा प्रणाम करके अंत में सरस्वती जी के अर्पण कर देना चाहिए। 42:45 और सारा विश्वास में होना चाहिए, विद्यार्थी के लिए जो नींद है उसका क्या महत्व दिया गया हुआ, जो भी हो माता के सामने अपना निवेदन करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी बने रहिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज 20। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।